हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे, जहां पर आपको मिलते हैं बहुत सारे एक्टिंग के टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं और इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। आज मैं लाया हूं आपके लिए 7 बहुत ही बेहतरीन टिप्स। वो टिप्स मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी सुनी सुनाई बातें नहीं होती हैं। जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो सब कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, और इसी सोच के साथ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में आपको एक बेहतर एक्टर बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। तो 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इनको प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1। दोस्तों, ये टिप बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे नए एक्टर्स हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं, या कई सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर बेहतरीन एक्टिंग कैसे करें, जल्दी से जल्दी एक्टिंग कैसे सीखें, अच्छी एक्टिंग हम कैमरा के सामने निडर होके कॉन्फिडेंटली कैसे परफॉर्म करें। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइंस। लाइंस आपको याद नहीं रहती, लाइंस आप ठीक से याद नहीं करते, स्पेशली जब आप नए होते हैं। आप टाइम नहीं देते लाइंस के पीछे, हड़बड़ी होती है, बस 2-3 बार याद कर लो और फटाफट कैमरे के सामने खड़े हो जाओ और अमिताभ बच्चन बन जाओ। ऐसा नहीं होता। अमिताभ बच्चन साहब को कितने साल लगे अमिताभ बच्चन बनने में। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला धर्म यह है कि जो लाइंस आपको मिली है ना, उस पर जी जान लगा के मेहनत करिए। उसको कम से कम 100, 200, 300 बार, जब तक आप उसमें परफेक्ट ना हो जाए, जब तक वो लाइंस आपके दिमाग में ना घुस जाए, आपके नसों में, आपके शरीर में ना घुस जाए। इसको बड़े आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक्टिंग करते समय कोई भी काम कर रहे हैं और फ्लो में लाइंस अपने आप निकल रही हैं। आपको लाइंस सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि मेरी अगली लाइन क्या है, अरे इसके बाद मेरी लाइन क्या आने वाली है, मैं ये शब्द में अटक रहा हूँ, मैं अब क्या बोलूँ, अरे उसकी लाइन खत्म हो गई, अब मेरी लाइन कौन सी थी। अगर आप इस तरीके से सोचते रहोगे तो एक्टिंग कब करोगे? आपका सबसे पहला धर्म है बीइंग एक्टर, आपको लाइंस परफेक्टली बाय हार्ट होनी चाहिए। जब आपकी लाइंस आपको परफेक्टली याद होंगी, उसके बाद आप एक्टिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। लाइंस के बाद आपकी एक्टिंग होगी, फिर आप ट्रांजिशंस देंगे, डायलॉग डिलीवरी होगी, पॉजेज होंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनका आप एक्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये आप तब कर पाएंगे जब आपकी लाइंस आपको बाय हार्ट याद होंगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज से अगर आप नए हैं तो कम से कम 100, 200, 300 बार, जब तक आपको एकदम परफेक्ट याद ना हो जाए। इसका मैं एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ। आप रात में सो रहे हैं, रात के 2 बज चुके हैं और कोई आपको ऐसे उठाता है, उठ 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 लाइन बता। आपको लाइन बाय हार्ट याद होना चाहिए। जैसे आप उठे, तोते की तरह आप बोलना चालू कर दिए। अगर आप इतना परफेक्टली लाइन याद करते हैं तो आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं आपसे पर्सनली ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। कई लोग जो है ना, बहुत ईजिली ट्रैप्ड हो जाते हैं। मतलब किसी को एक्टिंग करते हुए देख लिया, उसकी नकल उतारने लगते हैं, उसकी कॉपी करने लगते हैं, कोई एक टेक्निक समझ में आ गई, उसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप नए हैं स्पेशली, आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत लोगों को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, बहुत सारी जगह से सीख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, क्लासेस जा रहे हैं। आपको स्टबर्न नहीं होना है। आपको हर जगह से कुछ ना कुछ लेना है, सीखना है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है और खुद का नया टेक्निक बनाना है। तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें डरने की, घबराने की या स्टबर्न होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे एक्टिंग मतलब ये है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक साइंस है जिसकी डिस्कवरी अभी भी चालू है। बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप अगर बॉलीवुड को ही लें तो आज से 20-25 साल पहले तक देखिए आप किस तरह की एक्टिंग होती थी, और अब देखिए किस तरह की एक्टिंग होती है, और आने वाले 20-25 साल बाद आप देखेंगे किस तरह की एक्टिंग होगी। तो ये एक साइंस है जो इवॉल्व हो रही है, डिस्कवर हो रही है। इस पर बहुत सारे लोग बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपको स्टबर्न होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखिए। जितना आप अपने प्रोसेस को सिंपल रखेंगे, जितना प्रोसेस को ईजी रखेंगे, उतना जल्दी आप इसको आसानी से सीखेंगे। रिलैक्स माइंड में सारी इन्फॉर्मेशन गेन करिए, सबकी बातें सुनिए, अच्छी अच्छी चीज़ें उठाइए और अपना कुछ नया क्रिएट करिए। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है दोस्तों, वो ये, हम सुनते नहीं हैं। तो आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी होता, हम तो बहुत सुनते हैं। नहीं, सुनने का मतलब है एक्चुअली आप प्रेजेंट नहीं रहते। जैसे देखिए, मैं अपनी लाइन बोलने के बाद मैंने पॉज लिया, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं। तो जब आप मुझे सुन रहे हैं
तो मैं अपनी बातों को इस तरीके से रख रहा हूँ कि आप मुझसे कम्युनिकेट कर पाएं, जबकि मेरे सामने सिर्फ एक कैमरा है, मेरे सामने सब कोई नहीं है, लेकिन मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। ऐसे ही जब आप एक्टिंग करते हैं कैमरे के सामने, हो सकता है आपका को एक्टर सामने ना हो, लेकिन आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप अपने को एक्टर को सुन रहे हैं। जब सामने वाले की लाइन है तब आप वेट करें, आप सुने। और कैसे सुनेंगे? उसकी बातों को अपने दिमाग में, अपने मन में उसको रिपीट करेंगे। जैसे मेरी लाइन है, अरे तूने खाना खाया? अच्छा नहीं नहीं ऐसे ही पूछा था बस। तो मैंने क्या किया, अरे तूने खाना खाया? उसने बोला, हाँ हाँ मैंने खाया, क्यों? नहीं 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 ऐसे ही पूछा बस। तो मुझे आपकी बात को सुनना पड़ेगा, उसको एक्टर की बात को सुनना पड़ेगा, तभी मेरे चेहरे पे रिएक्शंस आएंगे, तभी मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाऊंगा। लोग सिर्फ अपनी ही लाइन बोलने में लगे रहते हैं, अपनी ही लाइन को सुनते हैं, सामने वाले को इग्नोर कर देते हैं। जब आपको लाइंस भी मिलती हैं, आप सिर्फ अपने लाइंस को याद करते हो, सामने वाले लाइंस को भूल ही जाते हो कि वो भी एक कैरेक्टर है। और जब वो लाइन बोल रहा है, आपके चेहरे पे ब्लैंक एक्सप्रेशंस होते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, तो आपको सुनना है। इवन अपनी लाइफ में भी जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों को सुनिए, बोलिए कम सुनिए ज़्यादा, इससे आप एक बेहतरीन एक्टर बनेंगे। एक्टिंग करते समय ना ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जिससे आप एक कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं। लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इस वक्त आप बहुत नए हैं और आपको अभी बहुत ज़्यादा कैरेक्टराइजेशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको ऑडिशन में जाना है। अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप जाके 5-6 महीना कोर्स करें, फिर सीखें और फिर जाके ऑडिशन दें। आपका ऑडिशन हो सकता है 4-5 दिन में हो, कल हो। कैसे? आपके लिए मैं एक बहुत ही आसान तरीका यहाँ बता रहा हूँ। क्या करना है, सिंपल रखिए इसको, ठीक है? जो भी कैरेक्टर आपको मिला है प्ले करने के लिए, कम टाइम होने के बावजूद आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि वो जो कैरेक्टर है उसका गोल क्या है, क्या करना चाहता है इस सीन में, उसका गोल क्या है। अपने गोल तक पहुंचने में उसको कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को वो फेस करेगा, और उन प्रॉब्लम्स को वो कैसे हैंडल करेगा, अपने गोल तक कैसे पहुंचेगा। 3 चीजें मैंने आपको बताई, ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहला, उस कैरेक्टर का गोल क्या है, अपने गोल तक पहुंचने में उसको कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी और उन मुसीबतों को वो कैसे हैंडल करेगा, और फाइनली कैसे अपने गोल तक पहुंचेगा। अगर आपको ये 3 चीजें पता होंगी अपने कैरेक्टर के बारे में, तो आप बड़ी ईजिली उसको प्ले कर पाएंगे, कई सारी चीज़ें उसमें इम्प्रोवाइज भी कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही डेप्थ वाली चीज़ है कैरेक्टराइजेशन करना, वक्त लगता है इसको सीखने में, लेकिन क्योंकि आप नए हैं, आपके पास टाइम नहीं है, ये 3 चीज़ें भी अगर आपने अपने कैरेक्टराइजेशन में डाल दी तो आप काफ़ी अच्छा ऑडिशन दे सकते हैं। अगला जो टिप मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको एक्टिंग में भी काम आएगा और आपकी लाइफ में भी काम आएगा। डोंट जस्ट थिंक, गो फॉर इट, डू इट। 99% लोग सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं हैं। अगर कर भी लेते हैं तो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आपको उस 1% में से बनना है जो डिसिप्लिन से मेहनत करता हुआ एक रूटीन में अपनी ट्रेनिंग को पूरा करे। ट्रेनिंग पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक्टर के लिए, चाहे आप ऑनलाइन के माध्यम से करिए, चाहे कोई थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, चाहे किसी एक्टिंग स्कूल में चले जाइए, या कोई भी ऐसा इंसान जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा है, जो खुद एक एक्टर है, जिसको नॉलेज है, उनसे जुड़ जाइए। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सीखने के इस प्रोसेस में कई बार आप गिव अप करने की सोचेंगे, कई बार आपको बहुत अनकम्फर्टेबल फील होगा, बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि गिव अप नहीं करना है। ये कला है और इसको सीखना पड़ता है, हर एक्टर को सीखना ही होता है, एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। लेकिन 4-5 महीना कम से कम आपको डेडिकेट होकर के अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस दौरान आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो शायद आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि एक एक्टर इतनी सारी चीज़ें करता है, एक एक्टर इतना कुछ सीखता है। लेकिन जब आप उस प्रोसेस से जाएंगे ना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो डिसिप्लिन से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये, हर सीन को इस तरीके से परफॉर्म करिए कि आपके ये ज़िंदगी का आखिरी सीन है। रिपीट करूँ, अपने हर सीन को, अपने हर एक्ट को इस तरीके से परफॉर्म करो
कि सोचो ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी एक्ट है। आज से कई साल पहले जब शाहरुख खान साहब ने इस इंडस्ट्री में एंटर किया था, उनकी आप पुरानी परफॉर्मेंसेस को उठा के देखो। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, उनकी हर परफॉर्मेंस में आपको वो एनर्जी दिखाई देगी, करने का जुनून दिखाई देगा। बेशक वो बहुत अच्छे एक्टर नहीं रहे होंगे उस वक्त, लेकिन जब वो एक्टिंग करते थे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, कितना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने काम करते समय से बहुत सारे डायरेक्टरों से भी बात की है, वो भी यही कहते हैं, आपको आता कितना है वो एक अलग बात है, लेकिन जितना भी आता है उसका आप कितना देते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। आपको आता इतना सारा है और आप कैमरे के सामने अपना स्टारडम दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आप प्रेजेंट नहीं हैं इस वक्त, आप एनर्जी नहीं दे रहे हैं, आप सीन में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो सीखने का, उस नॉलेज का फ़ायदा क्या है? लेकिन आपको आता इतना सही है, लेकिन सीखने की भूख बहुत है, आप इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टर जो आपको कह रहे हैं आप उसमें उनकी बातों को सुन रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, को एक्टर्स के साथ आप मिलके अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपका सीन बेटर हो जाएगा। बेशक इतनी नॉलेज है लेकिन काम इतना सारा निकल के आएगा। तो हमेशा जब भी आप एक्टिंग करें ना, आप ये सोच के करिए ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी मौका है, आखिरी सीन है। शायद आपको दोबारा एक्टिंग करने का मौका मिले या ना मिले कुछ पता नहीं है, इसको बेस्ट करना है। आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। एक लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, जब भी हम ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं ना, तो यकीन मानिए उसके लिए बहुत बड़ा पे भी करना पड़ता है। तो अगर कोई आपको कहता है ना कि मेरे पास ऐसे शॉर्टकट है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको रातों रात स्टार बना दूंगा, ऐसे लोगों से दूर रहें। बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों से दूर रहना, ये सब फेक है, सब फ्रॉड है। बड़े बड़े लोगों ने ये कहा है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, जो आज अचीव कर रहे हैं। अगर आपने भी अपने फील्ड में, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ भी अचीव किया होगा, तो आपने देखा होगा उसको अचीव करने के लिए आपने रात दिन एक करके मेहनत की होगी। और जब आप इतने कॉम्पिटिटिव फील्ड में आते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, आपके पीछे लाखों लोग लगे हुए हैं, सबको एक्टर बनना है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना होता है अपनी लाइफ में, बहुत टाइम देना होता है, बहुत एनर्जी लगानी होती है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। तो सेक्रीफाइस से घबराना मत, डरना मत। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको काफ़ी दर्द होगा, पेन होगा, घबराना मत, डटे रहना। सो बी रेडी टू सेक्रीफाइस, से यस टू सेक्रीफाइस, यस हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए चाहे जो भी पे करना पड़े, अगर आप करने को तैयार हैं ना, तो आपको डेफिनेटली आपकी मंजिल मिलेगी। थोड़ा वक्त लग सकता है, बट डोंट गिव अप, आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे।